मौसम है और कुछ तीखा चटपटा चाहिए, तो आज हम बनाएंगे मिर्ची से अचार बनाएंगे, वो भी 10 मिनट में बन जाता है। इंस्टेंट ये अचार बनेगा और अभी हरी मिर्ची बहुत ही बढ़िया मिलती है ठंडी का टाइम है। तो यहाँ पे सारी ट्रिक के साथ बताऊंगी, क्योंकि मिर्ची ज़्यादातर तीखी लगती है, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगी कि तीखी मिर्ची नहीं बनेगी। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने मिर्ची बड़ी वाली ली है, वो 250 ग्राम लिया है। इसको धो के मैंने इसको पोंछ लिया है। अभी इसके बड़े बड़े गोल गोल टुकड़े कर देंगे। अगर आपको लंबे वाले करना है तो लंबे वाले भी कर सकते हो। तो सारी मिर्ची हम अच्छे से काट लेंगे, बहुत ही मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं, ऐसी हम काटेंगे। ये मैंने काट दिया है। एक स्पून हम ऑयल ले लेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम मिर्ची ऐड कर देंगे। तो मिर्ची को हम 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि एकदम बढ़िया से इसके साथ तेल मिक्स हो जाएगा। इसके साथ 1/8 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम राई का जो आता है राई, उसको पीस लिया है मैंने, वो ले लेंगे इसके अंदर। वो मैंने 1/2 स्पून लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 स्पून मैं धनिया पाउडर डालूँगी, ताकि एकदम बढ़िया से इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद हम वापस इसको घुमाएंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको हमको धीरी आंच पे ही पकाना है। उसके बाद यहाँ पे हम घी डालेंगे, ताकि हमारी मिर्ची तीखी नहीं बनेगी। तो मैंने 1/2 स्पून यहाँ पे घी डाल दिया है, ताकि हमारी मिर्ची जो तीखी लगती है वो नहीं लगेगी। जी हाँ, इससे आपका मिर्ची बिल्कुल तीखा नहीं बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको ढक के हम रख देंगे 2 मिनट तक। तो इससे हमको जो मिर्ची खाते हैं तो किसी को जलन होती है वो भी नहीं होगा, और अच्छे से आप मिर्ची खा सकते। मिर्ची ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जी नहीं होती है, तो भी आप इसके साथ रोटी खा सकते हो, पराठा खा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये मैंने पका दिया है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमको। इसके बाद मैं इसमें 1/2 लेमन डालूंगी, इससे भी तीखा कम हो जाएगी। तो ये भी आप ज़रूर से लास्ट में ऐड करना, पहले से मत ऐड करना। तो ये हमारी मिर्ची एकदम रेडी हो गई है, इसको हम 2 मिनट वापस पकाएंगे। उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेगी। हरी मिर्ची का अचार, यम्मी टेस्टी ऐसा हमारा अचार रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।